बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आप साथ, मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। आप भाइयों ने कुछ दिन पहले या अभी भी आप देख रखे होंगे जी कि कीनिया में जो मेरे भाई पाकिस्तानी फंसे हुए हैं जी, या मजीद आ रखे हैं वाई के थ्रू जो सऊदी अरब में इंटर होना चाहते हैं जी। आपको पता है जिन बंदों ने दोनों वैक्सीन की डोज ली हुई थी वो तो डायरेक्ट आ रखे हैं, और जिन बंदों ने जो मेरे भाइयों ने अभी तक नहीं ली, यानी कि जिन भाइयों ने नहीं ली थी एक डोज यहाँ से या पाकिस्तान से या दोनों डोज पाकिस्तान से, लेबर के वीजे हैं जी, वो वाई के थ्रू सऊदी अरब में इंटर हो रखे हैं। तो अभी तो बहुत सी अवाम भाई दुबई के थ्रू आ रखी है, जो कि पैकेज भी सस्ता है और सेफ जगह है। पहले बहुत सी अवाम उज़्बेकिस्तान वगैरह के थ्रू और अभी कीनिया के थ्रू भी आ रखी है। तो कीनिया के पहले हालात तो काफ़ी बेहतर रहे, लेकिन अभी हालात काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो कीनिया में एजेंट वगैरह बैठे हुए हैं ना, वो भाई बंदों को मजीद वहाँ पर रखने की कोशिश करते हैं ताकि इनसे मजीद पैसे बटोर सकें, और इसकी रीज़न कुछ भी नहीं है। यहाँ वहाँ पर ज़ाहरी सी बात है, आप अगर दो दिन चार दिन पाँच दिन ज़्यादा रहेंगे तो आपको होटल का रेंट ज़्यादा देने पड़ेगा, खाने पीने का खर्चा, सब चीज़ें, इन चीज़ों को देखते हुए भाई वो बगैरती कर रहे हैं, और कोई मसला नहीं है। बहरहाल यहाँ पर आपको मैं कुछ वीडियो भी यहाँ को एक आध पिक्चर या वीडियो भी दिखा चुका हूँ, जो कि पाकिस्तानियों के मजीद हालात हैं कीनिया में बसे हुए, मुश्किल का सामना है जी उनको। बहरहाल इसके मुतल्लिक अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी न्यूज़ है गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से, शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से, जो कीनिया के भाई वजीरे खारजा हैं रिचल ओमामू, उनको इन्फॉर्म यानी कि उनको कॉल की गई है, उनसे बातचीत हालचाल पूछने के बाद। जो पाकिस्तानी भाई वहां पर मुकीम हैं और ऐसे मसलों से दो चार हैं, यानी कि सऊदी अरबी में आना चाहते हैं, वहां पर किसी न किसी मसले की वजह से फंसे हुए हैं या पैसे खत्म हो चुके हैं, परेशान हैं, उनके लिए बातचीत की गई है। तो वजीर खारजा कीनिया के जो, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हम आने वाले दो से चार दिन के अंदर अंदर तकरीबन तमाम पाकिस्तानियों को सऊदी अरबिया के लिए भेज देंगे, कोई किसी किस्म की मुश्किल या टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये एक अच्छा इकदाम है जी, गवर्नमेंट पाकिस्तान को पाकिस्तानियों की बैकग्राउंड यानी कि बैकअप करना चाहिए, कहीं भी पाकिस्तानी मुश्किल में हो तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का काम बनता है कि उसके लिए स्टैंड ले, उसके लिए वहां की गवर्नमेंट से, वहां के अदारों वगैरह से रब्ता करे। तो ये एक अच्छी चीज़ है, जो मेरे भाई कीनिया में फंसे हुए थे वो अभी भाई या तो निकल चुके हैं या एक दो दिन में मजीद आप निकल सऊदी अरब यानी कि आप आ जाएंगे। तो बहरहाल आगे कीनिया का वीजा मत लें, यही बेस्ट है जी, आप दुबई के रास्ते आ जाएं, ये अभी एक अच्छा पैकेज है और सस्ता भी है।